फिल्में काल्पनिक होती हैं और सच्चाई से परे होती हैं। जैसा कि कहावत है, जब फिल्म काल्पनिक होती है तो उस फिल्म की कहानी को असली रंग क्यों दिया जाता है? आज भारत के अंदर फिल्म, हिंदी फिल्म पठान के लिए बवाल मचाया जा रहा है। आज जब हम देखते हैं कि उस फिल्म को काल्पनिक स्वरूप दिया गया, उसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी फिल्म में कट होता है सेंसर बोर्ड द्वारा, या किसी भी प्रकार से अश्लीलता दिखाई जाती है, तो उसको सुधारने में क्या दिक्कत आती है? वो जबकि सच्चाई नहीं कहानी। अगर शाहरुख खान ये कहें कि ये फिल्म सत्य आधारित है, जब सत्य आधारित फिल्म हो और उसमें कट लगाए जा रहे हों, तो वाजिब है कि शाहरुख खान उसका विरोध करें। लेकिन जब फिल्म काल्पनिक है और काल्पनिकता से परे, काल्पनिकता लिए हुए है, तो क्यों इतना बवाल हो रहा है? आज एक इस फिल्म में एक गाना है, बेशर्मी रंग। बेशर्मी रंग अगर है, शब्द लिखा हुआ है, YouTube की जो डिग्लॉट कॉपी है उसमें अगर आप देखेंगे, गाने के साथ साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रू कलर, जबकि जबकि बेशर्मी रंग होता है शेमलेस कलर। अब आप बोल रहे हो शेमलेस कलर, गाने के बोल तो हैं शेमलेस कलर के, और उसके ऊपर जो वर्जन आ रहा है, जो कि टाइटल आ रहे हैं, उसमें वो आ रहा है ट्रू कलर। तो क्या ये वाकई असली रंग है फिल्म में? और जिस तरीके से अश्लीलता, फूहड़ता दिखाई गई है फिल्म पठान में, हीरोइन के ऊपर जो फिल्मांकन किया गया है, वो क्या असली रंग है उस हीरोइन का? तो हम ये माने, अगर ये फिल्म सत्य आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है, तो बवाल को थामना जरूरी है। जब ये काल्पनिक है, तो क्यों अहंकार स्वरूप इसको बवाल खड़ा किया जा रहा है? क्यों ना उसको बदलाव किया जा रहा है? आज फिल्म पठान के द्वारा भारतीयों को चुनौती दी जा रही है। ये चुनौती के लिए फिल्म है क्या? नहीं, मनोरंजन की फिल्म है ये। अगर मनोरंजन की फिल्म है, तो मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी होना चाहिए। ऐसा मनोरंजन किस काम का जिसमें राष्ट्रभक्ति के साथ फुवड़ता हो, धर्म के साथ फुवड़ता हो और अश्लीलता हो? तो एकमात्र जवाब शाहरुख खान से पूछा जा रहा है कि क्या ये फिल्म सत्य घटना आधारित है जो वो ट्रू कलर बोल रही है, लिखा जा रहा है ट्रू कलर। यूट्यूब का जो वर्जन है उसमें साफ लिखा हुआ है ट्रू कलर, असली रंग। अगर ये सत्य घटना आधारित है, तो हीरोइन का ये असली रंग है। असली रंग को दो तरीके से माना जाता है। असली रंग होता है अच्छे चरित्र का और एक बुरे चरित्र का, ठीक है? लेकिन बेशर्मी रंग को हमेशा बुरे रंग के रूप में ही, बुराई के रूप में ही बताया जाता है। तो काल्पनिकता में तो वो बेशर्मी रंग है, लेकिन सच्चाई पे वो असली रंग है, ट्रू कलर है। तो ट्रू कलर में क्या हीरोइन ये स्पष्ट कर सकती है कि वह उसका ये नेगेटिव चरित्र है, नेगेटिव रंग है, अश्लील रंग है या फिर अच्छा रंग सबटाइटल में है? ट्रू कलर लिखा रहा है बेशरम रंग को सबटाइटल में, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे तो इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट देखे ना, जब वो खुद फिल्म, जो फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो खुद इसको कहता है ये बेशर्म रंग नहीं है, तो गाना क्यों गा रहा है? वो असली रंग है। अच्छा, तो असली रंग और बेशर्म रंग में अंतर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो आप। ये विवाद का कारण ये सबटाइटल है, ना कि फिल्म का काल्पनिक चरित्र निभाता हुआ अश्लील गाना। हम सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि जब ये टाइटल दिए, सबटाइटल दिए हुए हैं, तो सबटाइटल के आधार पे फिल्म को क्या किया जाए, सेंसर बोर्ड से पास किया जाए। आज सेंसर बोर्ड ने कह दिया कि ये इतना काटना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने कटी हुई फिल्म दोबारा क्यों नहीं बुलाई?
उन सबको जो भी अश्लीलता थी उसको काटना था पहले, और फिर मंगाना था, और फिर सर्टिफिकेट देना था। आज वो कह रहे हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ये इतने कट लगाने पड़ेंगे। तो ये गलत है ना, आप पहले कट लगवाइए, और कट लगवाने के बाद फिर फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो करे, जब राष्ट्र और धर्म और सबको चुनौती दी जा रही है, अहंकार डायरेक्टर द्वारा, अहंकार फिल्म के हीरो द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं तो कोई आग वहीं लगती है। जब भाई अपन कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कोई खामी होगी, उन खामियों को दूर करें।